नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस भरुआ बूंदी की सब्जी बिल्कुल अलग तरीके से। अचार अगर पसंद नहीं करते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम बूंदी लिए हैं, इन्हें धोकर कुछ देर के लिए सुखा लिया है। मार्केट से जब हम इन्हें लेके आते हैं तो छोटे बड़े दोनों साइज के हमें मिलेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बड़े साइज के लेसुए। सबसे पहले इनकी डंडियां अलग कर लेंगे, जो पूरी तरह से सूख गए हैं, उनकी कैप भी निकल रही है। और इस तरीके की छोटे साइज के और हल्के पके हुए हमें अलग कर लेने हैं। ये बड़े साइज के मैंने अलग कर लिए हैं। ये 250 ग्राम के आसपास क्वांटिटी हमारे पास आई है। पानी बॉईल करेंगे, इसके अंदर डालेंगे आधा बड़ा चम्मच नमक और लेसुए को कुछ देर के लिए उबाल लेंगे। इस तरफ लेसुआ बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए इनके बीज निकालने हैं। बीज निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। हल्का सा सॉफ्ट होने तक इन्हें बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इन्हें बॉईल होने में। इससे पहले भी मैंने आपके साथ लेसुए का अचार बनाने की रेसिपी शेयर की हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें, ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएंगे और इनके अंदर पानी चला जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद जब हम इन्हें देखते हैं तो ये देखिए इनका कलर हल्के से पीले हो गए हैं, और छूकर इस तरह से देखेंगे तो ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अभी काफ़ी गर्म है तो इस तरह से चम्मच से इसे दबा कर देखें, ये इजीली क्रैक हो रहे हैं, इसका मतलब ये कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर फ्लेम करेंगे ऑफ और इन्हें निकाल लेंगे। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं हम बनाते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे आधा कप भुना हुआ चना। छिलका इनका निकाल देना है, या मार्केट से इस तरह से बिना छिलके वाले चने भी ले सकते हैं। और इसे कोर्सली यानी कि दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। चना नहीं है तो इसकी जगह बेसन को भून कर भी काम ले सकते हैं। बोल में ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच कुटी हुई सौंफ, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर। इसे कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। नमक स्वाद के अनुसार, 3 बड़े चम्मच ग्राइंड किया हुआ चना पाउडर, 3 बड़े चम्मच ग्रेट की हुई कैरी यानी कि रॉ मैंगो, 1/2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अच्छा सा मिक्स देंगे। ये स्टफिंग तैयार है। लेसुए भी ठंडे हो चुके हैं। चलिए अब इनके बीज निकाल लेते हैं। तो जो कैप पहले नहीं हटी थी अभी वो आसानी से निकल जाएंगी, तो सबसे पहले इन्हें निकाल लेते हैं। अब इन्हें बीज में से हल्का सा प्रेस करेंगे और चम्मच से बीज को निकाल लेंगे। इस तरह से लेसुए को हमें तैयार कर लेना है। एक बार फिर से देखते हैं, हल्का सा प्रेस करेंगे, गुठले निकालेंगे, और इस तरह से सभी लेसुए से गुठले निकाल ली है। अभी इन्हें हम स्टफ करेंगे। जिस तरह से हम बाकी की भरवा सब्जी बनाते हैं बस उसी तरीके से इन्हें स्टफ कर लेना है। और ये सभी लेसुओं को स्टफ कर लिया है। इतना सा मसाला बची है, ऊपर से इन्हें डालेंगे। पैन में ऐड करेंगे 1/2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग और स्टफ किए हुए लेसुए। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें इस तरह से फ्राई करना है। बचा हुआ मसाला ऐड करेंगे और 1 बड़े चम्मच के आसपास पानी। कवर करेंगे और लो फ्लेम पर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इनका कलर चेंज हो गया है। और ये भरुआ गूंदे की सब्जी तैयार है। इस बार राजस्थान के इस चटपटे स्वाद को जरूर ट्राई करें, इसे बनाइए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। तो ये था आज का फ्लेवर। मिलते हैं फिर एक नए स्वाद के साथ। तब तक